एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, ये गाना याद है? इस लाइन को सुनते ही जो चेहरा याद आया है ना, आज उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं। हुआ ये कि फिल्म डायरेक्टर एन चंद्रा को एक अंधविश्वास था, जो अपनी फिल्म में नए लोगों को लेकर लीड में लिया करते थे बकायदा, और उनकी फिल्में हिट हो जाती थी। उनके साथ ऐसा पहले अंकुश फिल्म जिसमें नाना पाटेकर को उन्होंने लिया था, तेजाब जिसमें माधुरी दीक्षित को उन्होंने लिया था। उन्होंने 2001 में एक फिल्म प्लान की और दो नए लड़कों को लीड रोल में लिया। ये फिल्म बनी और चंद्रा के अंधविश्वास को और मजबूत करती हुई सरप्राइज हिट रही। ये फिल्म दी स्टाइल 2001 के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद 2002 आते आते लड़कियों का क्रश बदल गया था। इस नए लड़के का नाम था साहिल खान, जिसके बारे में कहां गए वो लोग, जो हमारी सीरीज है उसमें आज हम बात करने वाले हैं। साहिल का जन्म 5 नवंबर 1976 को कलकत्ता में हुआ, चीनी मूल की माँ और मुस्लिम पिता के यहाँ। बचपन कलकत्ता में बिताने के बाद साहिल दिल्ली आ गए। जब सपने देखने लायक हो गए तब उसी की नगरी यानी मुंबई चले आए। एक्टिंग में पहला मौका मिला एक म्यूजिक वीडियो में, ये गाना था तारसेम सिंह सैनी उर्फ स्टीरियो नेशन के एल्बम ओ लैला का नचांगे सारी रात। इस वीडियो को ही देखने के बाद एन चंद्रा ने साहिल को अपनी फिल्म स्टाइल में कास्ट किया। फिल्म स्लीपर हिट रही थी, इसलिए इसका सीक्वल बनाया गया एक्सक्यूज मी, जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया था। अपने 13 साल लंबे एक्टिंग करियर में साहिल ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से सिर्फ इन्हीं 2 फिल्मों को सक्सेसफुल गिना जा सकता है। इनके करियर में एक ही फिल्म ए रेटेड एक्टर डायरेक्टर के साथ थी, अलादीन, जो बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इस फिल्म में साहिल के अलावा अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस ने काम किया था। 2013 में साहिल आखिरी बार बड़े पर्दे पर दिखे फिल्म श्रृंगार में, उसके बाद से मामला पर्दे के पीछे ही चल रहा है। पहला गाना नचांगे सारी रात म्यूजिक वीडियो थी, तारसेम सिंह सैनी ने इसे गाया। दूसरा गाना एक्सक्यूज मी क्या रे फिल्म स्टाइल, तीसरा गाना स्टाइल में रहने का फिल्म स्टाइल। कंट्रोवर्सी शब्द से तो साहिल का सबसे तगड़ा कनेक्शन है। 2 हिट फिल्में देने के बाद 21 सितंबर 2004 को साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निगार खान से शादी कर ली, लेकिन इनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं, 9 महीनों के अंदर तलाक हो गया। अगली बार साहिल चर्चा में तब आए जब उनका नाम टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा श्रॉफ के साथ एक कोर्ट केस के दौरान सामने आया। आयशा और साहिल बिजनेस पार्टनर थे, इन्होंने साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी और साइबर इंटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म खोली थी। प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनाने के लिए एक फिल्म भी प्लान कर ली गई थी, फिल्म का नाम रखा गया था रानी, और इसमें काम करने के लिए बिपाशा बासु और प्रियंका चोपड़ा को लिया जाना था, लेकिन वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। प्रोडक्शन का काम खराब हो जाने के बाद साहिल ने साइबर सिक्योरिटी फर्म का आइडिया आयशा को दिया और उसके लिए फंडिंग करने की बात कही। आयशा के मुताबिक इस फर्म में उन्होंने 3 साल में तकरीबन 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन लॉन्च होने के 13 महीने बाद ही वो फर्म बंद हो गई। इसके बाद आयशा ने साहिल पर 5 करोड़ रुपए के घपले का केस कर दिया था। 2014 नवंबर में इन दोनों के बीच का ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। कोर्ट में साहिल ने बताया कि वो दोनों बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि रिलेशनशिप में थे, और जिन पैसों की बात आयशा कर रही हैं वो सारे पैसे आयशा ने उनके लिए गिफ्ट खरीदने और हॉलीडे प्लान करने के लिए खर्च किए हैं। केस में पेच बढ़ता जा रहा था। इस पर आयशा ने जवाब दिया कि वो साहिल के साथ रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकती क्योंकि वो गे हैं। चीचा लेदर थोड़ा और बड़ा, और साहिल ने अपनी रिलेशनशिप वाली बात साबित करने के लिए कोर्ट में आयशा के साथ अपनी कुछ इंटीमेट फोटोज पेश कर दी। 4 महीने की इस खींचतान के बाद फरवरी 2015 में आयशा ने इस केस से हाथ वापस खींच लिया। बाद में कोर्ट ने साहिल को आयशा के साथ उनकी सभी तस्वीरों को मिटाने का ऑर्डर दिया। साहिल को फिल्मों में मुश्किल ही काम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सिनेमा छोड़ दिया।
आजकल अपने पैशन टिकटॉक पर फॉलो कर रहे हैं। आले दर्जे के फिटनेस फ्रीक साहिल ने इसके बाद वो करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो मुंबई आए थे, बॉडी बिल्डिंग। 2014 से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। आज के समय में गोवा में अपना मसल एंड बीच नाम का जिम चेन चलाते हैं। यूट्यूब चैनल है जहां बॉडी बिल्डिंग के गुर सिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टॉक करने पर पता चला कि आमतौर पर विदेशों में ही रहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में हुए तो गोवा ही उनका ठिकाना है। अगर आपको ललन टॉप की ये सीरीज कहाँ गए वो लोग पसंद आ रही है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, ये एपिसोड कैसा था ये भी बताएं, हमसे जुड़िए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए हमारा द ललन टॉप, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आप जानते हैं जो साइट पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी ऐप को डाउनलोड करिए तो कर लीजिए ना। शुक्रिया।